अरविंद केजरीवाल के ईडी कस्टडी में जाने के बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा हाई है। आज केजरीवाल के जेल जाने के बाद पहली बार विधानसभा का सत्र बुलाया गया, लेकिन आज के दिन पूरी कार्रवाई केजरीवाल को लेकर ही छिड़ी सियासी लड़ाई की भेंट चढ़ गई। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, दिल्ली विधानसभा में हंगामा कर क्या हासिल करने की कोशिश है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने केजरीवाल के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे जाने के बाद आज पहली बार दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, लेकिन आज विधानसभा के अंदर और बाहर भारी हंगामे के बीच सदन का कोई काम नहीं हो सका। विधानसभा में अंदर और बाहर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक मैं भी केजरीवाल टी शर्ट के साथ विधानसभा पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी के विधायक हाथों में केजरीवाल इस्तीफा दो की तख्तिया लेकर पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का घेराव आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा से ये तस्वीर निकल के आ रही है, जहां जहां बीजेपी के विधायक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगते हुए घूम रहे हैं, वहीं पे आम आदमी पार्टी के विधायक इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के विधायकों के हाथ में केजरीवाल इस्तीफा दो की तख्तियां हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने टी शर्ट पहन रखा है, अरविंद केजरीवाल का मास्क पहन रखा है और मैं भी केजरीवाल के इन टी शर्ट के साथ नारेबाजी हो रही है। सदन के बाहर विधानसभा परिसर में दोनों पक्ष प्रदर्शन के दौरान आमने सामने आ गए, जिसके बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आपके विधायक आम आदमी पार्टी के विधायक चेज करते हुए दिखाई दे रहे, विजेंद्र गुप्ता है बीजेपी के, विजेंद्र गुप्ता जिनको सिक्योरिटी एस्कॉर्ट करके अब निकाल रही है यहाँ से, और चारों तरफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी के साथ उनका घेराव करने की कोशिश की है। और इन तस्वीरों में आप देखिए विजेंद्र गुप्ता को निकाला जा रहा है, भारी हंगामा इस वक्त विधानसभा के अंदर, जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आज विधानसभा पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। उन्होंने मैं भी केजरीवाल प्रिंटेड टी शर्ट पहनी थी और केजरीवाल का मास्क लगाए केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा में अब अरविंद केजरीवाल का ये मास्क पहनकर पहुंचे हुए हैं। इस मास्क के पीछे फिलहाल सौरभ भारद्वाज है। सौरभ, क्या मकसद है? एक के बाद एक आप लोग प्रदर्शन का तरीका बदल रहे हैं, कभी टी शर्ट पहन रहे हैं, कभी पुतला दहन कर रहे हैं, कभी मास्क पहन रहे हैं, अब क्या मकसद है? हर आदमी आज केजरीवाल है, हर दिल्ली का विधायक केजरीवाल है, हर दिल्ली का काउंसलर केजरीवाल है। आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, मगर उसकी सोच आज पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि केजरीवाल को झूठे आरोपों में जेल भेजा गया है। वहीं केजरीवाल इस्तीफा दो की तख्तियां लेकर सदन में पहुंचे बीजेपी विधायकों ने दावा किया कि केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की जिद से दिल्ली में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। हम इस परिसर में, जिस परिसर में दिल्ली की जनता चुनकर विधायक को भेजती है, उम्मीदों को भेजती है, वो उनकी उम्मीद जाया ना जाए, इसलिए इस परिसर में हम घूम घूम कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी के पीछे नहीं जा रहे हैं। दिल्ली के रोजमर्रा के काम ठप हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। अब वो जो झूठी चिट्ठियां लिख करके, जो कि ईडी की कस्टडी में लिखी नहीं जा सकती, दिल्ली को झूठ परोसने का काम हो रहा है, विक्टिम कार्ड खेलने का काम हो रहा है। विधानसभा परिसर ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायक वेल में पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं बीजेपी के विधायक भी सदन के अंदर तख्तियां लेकर पहुंचे थे और उन्होंने भी केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे लगाए। सदन में हंगामे के बाद स्पीकर राम निवास गोयल ने कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी, लेकिन जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो हंगामा फिर शुरू हो गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
विधानसभा परिसर के अलावा बीजेपी ने विधानसभा के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली विधानसभा के बाहर जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल भी देखा गया था आईटीओ पर भी दिल्ली बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन बुलाया था और साफ तौर पर यह मांग दिल्ली बीजेपी रख रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, क्योंकि देखा गया था पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, बाद में ईडी की हिरासत में मुख्यमंत्री को भेज दिया गया था। उसी बीच बीजेपी ने जो अपना प्रदर्शन था वो और तेज कर दिया है। विधानसभा में आज दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन केजरीवाल को लेकर हुए बवाल के बाद आज की पूरी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। दिल्ली से अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ अनमोल पाली, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में अब 3 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी और पीआईएल में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग भी की गई है। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो कोई राहत नहीं फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, अंतरिम राहत की केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है, अब अगली सुनवाई होगी 3 अप्रैल को। शराब नीति घोटाले में खुद की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को मानवाधिकारों के उल्लंघन बताया है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट में दी गई केजरीवाल की दलीलों में कितना है दम। हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, लेकिन इसके बाद भी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। इक्कीस मार्च को शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद फिलहाल अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अदालत में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका में अपनी गिरफ्तारी का अवैध बताया है। केजरीवाल की ओर से दावा किया गया है कि ईडी की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी उनके आधारभूत और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि ईडी उनके खिलाफ अपराध साबित करने में असफल रही। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि बिना पूछताछ किए गिरफ्तारी दिखाती है कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दी। उनका यह साफ कहना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके बुनियादी अधिकारों का हनन है और उन न्यायिक प्रक्रिया का भी हनन है जो ईडी के कार्यप्रणाली में दी गई है। यानी बिना पूछताछ किए ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। याचिका में केजरीवाल ने जेल से तुरंत रिहाई और रिमांड रद्द किए जाने की मांग की है। आज सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने याचिका का विस्तृत जवाब देने के लिए कोर्ट से वक्त की मांग की, जिसका केजरीवाल के वकील ने विरोध किया। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल की इन दलीलों के जवाब के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। अब ये देखना दिलचस्प है कि ईडी अपने जवाब में क्या काट करती है। अगर हफ्ते भर बाद भी जवाब आते हैं तो क्या आते हैं, क्योंकि तब तक कस्टडी का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। करीब 1.5 घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चल रही अदालती लड़ाई के बीच अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता के केजरीवाल मामले पर टिप्पणी पर भारत ने गहरा एतराज जताया है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की बात कही थी। अमेरिका को अब भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी टिप्पणी पर एतराज जताते हुए बयान जारी करके कहा कि हम भारत में कुछ कानूनी कार्रवाइयों के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। कोर्ट नीति में राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है, साथ ही लोकतंत्रों के मामले में ये जिम्मेदारी और भी अधिक है।
अन्यथा ये अनुसूचित मिसाल कायम कर सकता है। इतना ही नहीं, आज विदेश मंत्रालय में अमेरिका के मिशन की कार्यवाहक उप प्रमुख ग्लोरिया बरबेना को भी तलब किया गया, जहां भारत ने अमेरिका को साफ लहजे में कहा कि इस तरह से बयान गलत परंपरा विकसित कर रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल के मामले पर जर्मनी ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद भारत ने जर्मनी को दो टुक कह दिया था कि देश की कानूनी प्रक्रिया पर दूसरे देश की टिप्पणी उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कल केजरीवाल की ईडी की कस्टडी समाप्त हो रही है, ऐसे में कल एक बार फिर से अदालत में केजरीवाल को पेश किया जाएगा। आज केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, ऐसे में उम्मीद है कि कल एक बार फिर से केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की अपील ईडी कर सकती है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, ईडी के बाद क्या अब सीबीआई भी मांग कर सकती केजरीवाल की कस्टडी? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी श्रेय चटर्जी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अरविंद केजरीवाल की कस्टडी खत्म होने के बाद सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी रखेंगे। ये बताना बेहद जरूरी है कि शराब घोटाले में सबसे पहला एफआईआर सीबीआई की तरफ से किया गया था, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था और अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। कल उनकी रिमांड खत्म हो रही है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये पॉसिबल है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फर्दर कस्टडी की मांग रखेगी, लेकिन जब भी कस्टडी ईडी की तरफ से खत्म होगा, ये सीबीआई की तरफ से भी एक अर्जी रखी जाएगी कि वो अरविंद केजरीवाल को अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में पार्टी की लीगल सेल ने अदालतों के बाहर भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया, लेकिन पार्टी का यह ऐलान उनको भारी पड़ गया। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, सवाल यह है कि प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या चेतावनी दी? ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी संजू शर्मा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी की कस्टडी में भेजे जाने के खिलाफ दिल्ली की अदालतों के वकीलों ने अदालत परिसर में विरोध का फैसला लिया और इसके खिलाफ एडवोकेट वैभव ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि अदालत परिसरों में का राजनीतिक इस्तेमाल करना अदालती पेशे और वकालत के पेशे के प्रोफेशनल एथिक्स का उल्लंघन है, लिहाजा अदालत उन्हें रोके। ईडी की गिरफ्तार किए जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं। दावा यह है कि उन्होंने जेल से दो सरकारी आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन इस दावे को लेकर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि ईडी सूत्रों ने दावा किया है कि केजरीवाल के पास न तो पेन पेपर है और न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमारा आज का पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री के जेल से आदेश देने पर क्यों हो रहा है विवाद? जेल से सरकार चलाने को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से जांच की मांग की है। एलजी की तरफ से कहा गया है कि वो जेल से सरकार चलाने की इजाजत नहीं दे सकते। इक्कीस मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं। केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझा। केजरीवाल फिलहाल ईडी की कस्टडी में है, लेकिन दावा किया जा रहा कि वो वहीं से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से ही उनके लिए आदेश जारी किए हैं। उनके मुताबिक केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया और जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। इसके बाद केजरीवाल ने 26 मार्च को दूसरा सरकारी आदेश जारी किया था और स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, लोगों को मुफ्त जाँच और दवाइयाँ मुहैया कराया जाए। जेल से जारी किए गए इन आदेशों पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। जेल से आदेश जारी कैसे हुआ और जेल से सरकार कैसे चल रही है, इसको लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो इस मामले में जांच की मांग को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें इस मामले की तह तक पहुंचने का आग्रह किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल ने घोटाला किया तो पैसा कहाँ है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि कल केजरीवाल कोर्ट में घोटाले के पैसों को लेकर सनसनीखेज खुलासा करेंगे। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि घोटाले के आरोपों पर केजरीवाल का क्या है नया प्लान, बता रही है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। ईडी ने पिछले दो साल में 250 से ज्यादा रेप मार ली, वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। आज आप नेता दीपक सिंगला के दिल्ली स्थित घर पर ईडी ने छापामारी की। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि शराब घोटाले में एक और नेता के घर ईडी एक्शन से किस किस की बढ़ सकती है मुश्किलें। ज्यादा जानकारी दे रही मेरी सहयोगी श्रेया चटर्जी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज आम आदमी पार्टी के और एक नेता दीपक सिंगला के दिल्ली घर में छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली के अलावा पंजाब में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके घर में छापेमारी की है, आम आदमी पार्टी के लोगों से जुड़े हुए कई ऐसे दफ्तर में छापेमारी की है। ये ईडी के सूत्रों के हवाले पता चल रहा है कि पंजाब विजिलेंस की एक रिपोर्ट के आधार पर गुआवा ऑर्चर्ड कंपनसेशन स्कीम से जुड़े हुए एक स्कैम को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसी सिलसिले में पंजाब एवं दिल्ली में कई जगह आज ईडी ने छापेमारी की है। 7:07 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।